एंड्रॉइड मोबाइल की मदद से अगर आप हर तरह का गेम और एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में घंटी बटन को याद करके प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों इमेज सर्कल व्यू, ठीक है, इमेज जो है ये राउंड है, तो इस तरह का एक्टिविटी बहुत सारे एप्लीकेशन में रहता है, प्रोफाइल में आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज को पिक करता हूँ, ठीक है, ये मैं इस इमेज को पिक करता हूँ। दोस्तों पिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज है इसका सर्कल मतलब राउंड हो चुका है, इसका कॉर्नर पूरी तरह से। तो ये एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। हाँ भाई लोग कैसे हैं, सबके सब नमस्कार। औरा पार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। दोस्तों जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा, बहुत सारे प्रोफाइल में एप्लीकेशन के अंदर आप प्रोफाइल देखा होगा, प्रोफाइल में सर्कल राउंड करके एक इमेज रहता है, तो वो इमेज कैसे बनता है इस वीडियो में आपको बताऊँगा, इमेज को सर्कल आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, विस्तार से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैं पहले से ही बना के रखा है, यहाँ पे सिंपल एक इमेज व्यू है और एक इमेज व्यू है, हम इसका पर क्लिक करेंगे तो इमेज को पिक करेंगे और यहाँ पे शो करेंगे। तो ये इमेज व्यू जो है इसका स्केल देखिए, स्केल टाइप हमने सेंटर क्रॉप इसको बना के रखा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक कॉम्पोनेंट लिया है, इमेज नाम से कॉम्पोनेंट लिया है और इमेज को हम पिक करेंगे। यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है इसका नाम मैंने इमेज रखा है, कॉम्पोनेंट का नाम इमेज, और यहाँ पे हम इमेज को पिक करेंगे। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो भी फाइल सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो इमेज को मैं पिक कर लिया है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, इसका ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो आईडी है इमेज एट इमेज है IMG, ठीक है। इसका ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो हम इमेज को पिक करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे। इमेज पिक होने के बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इमेज पिक होने के बाद इमेज ऑन फाइल पिकेट, तो आपका ये कंपोनेंट है, ठीक है। इमेज पिक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऐड वेरिएबल के ऊपर जाइए और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लेके रखा है, ऐड करके रखा है, स्ट्रिंग का नाम है स्ट्रिंग इमेज, यहाँ पे देखिए हमने ऐड करके रखा है। और यहाँ पे देखिए रिसाइज इमेज टू सर्कल फ्रॉम पाथ, तो ये जो ब्लॉक है वो आपको फाइल में मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, आप ये कलर को फॉलो कर सकते हैं, आपको सारा ब्लॉक इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सेट करता है आपका जो एक्सटर्नल फाइल है, एक्सटर्नल स्टोरेज वहाँ पे सेट करता है। ये जो हिडन फाइल हमने बना के रखा है यहाँ पे देखिए डॉट आइकॉन, ये जो ये हिडन फोल्डर ये बना लेता है, ठीक है। बनाने के बाद इसमें ये सेव करके रख देता है, जो भी फ़ोटो हम पिक करते हैं, पिक करने के बाद आपका इंटरनल स्टोरेज में ये फ़ोटो को ऑलरेडी क्रॉप करके मतलब सर्कल राउंड करके सेव करके रख देता है। उसके बाद ये गेट करता है, जहाँ पे आपका फोटो सेव है ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर में उस फोटो को ये गेट करता है, गेट करने के बाद इस स्ट्रिंग में सेव कर देता है। सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये इसमें सेट कर दिया, तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। आप इधर से देख के इसको बना सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख करके बना सकते हैं। नहीं तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को मैं स्केच से ग्रीन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है, नहीं तो आसान है, ईजी था, आप वीडियो में देख करके आपको पता लग गया होगा और आप बना लीजिए। मेरे पास इस रिलेटिव कॉमेंट आया था तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना दिया दोस्तों, ठीक है। तो एक बार इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। प्रोफाइल में इस तरह का इमेज व्यू का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफाइल जो होती है उसमें राउंड हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर है वो राउंड बन के आएगा, इसीलिए हम इस इमेज व्यू का इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम इसका पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो को हम ले लेंगे, जैसे इसको ले लेता हूँ, इसका पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये राउंड ये थोड़ा कट गया है, क्योंकि हमारा जो ये जो है ना ये स्क्वायर है, मोबाइल हैंग कर रहा है, ये जो है ये स्क्वायर है इसीलिए कट हो गया है, ठीक है। इसका मैं लेता हूँ तो यहाँ पे ये राउंड बन के आ गया है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप था ये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप नया है हमारे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी बटन को याद करके प्रेस कर दीजिएगा,
क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं रोजाना इसी चैनल में अपलोड करते रहता हूँ, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है आपका, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।